नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में। आज हम बात करेंगे मंडी में आने वाले गेहूं की। लगातार मंडी के अंदर गेहूं की जो अराइवल है हो रही है, साथ में मंडी के अंदर गेहूं की अराइवल कितनी है और साथ में क्या भाव है, ये जानने के लिए आज हम मंडी के व्यापारी रामोतार गुप्ता जी के पास में मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आज मंडी के अंदर क्या भाव गेहूं के हैं और कितनी आवक गेहूं की है। सबसे पहले तो मार्केट टाइम टीवी में रामोतार गुप्ता जी, आपका स्वागत है। इस समय आज मंडी के अंदर गेहूं की कितनी आवक है और क्या भाव है? गेहूं की आवक तो क्या है कि आज आपके सबसे कम आवक रही है। आज कारण क्या है कि आज आकृति है ना, आकृति से आवक की वजह से 500-700 कट्टे की आवक थी। अभी 5 दिन पहले आवक थी 5,000-8,000 कट्टे की आवक थी। आज आमद बिल्कुल ना के बराबर है, सिर्फ की चाहे कोई चीज की आमद कम है। आकृति से आवक है, खासकर माल लेकर हम लगाते हैं। तो आज क्या भाव है गेहूं के? भाव आज हमारे मंडी जरा क्वालिटी के हुए हैं, मीन क्वालिटी के हुए हैं। हमारे मंडी में है 2315 रुपये, और बढ़िया गेहूं क्वालिटी है वो बिके 2350-2400 रुपये बड़े क्वालिटी। अगर अपन अभी 10 दिन या 15 दिन पहले की बात करें तो मंडी में कितनी आवक थी और क्या भाव थे उस टाइम? अभी 15 दिन की पहले की बात है, 15 दिन पहले हमारे मंडी में आवक थी 10,000 कट्टे की। जब गेहूं उस टाइम में जो 2225 रुपये मीन क्वालिटी, मिल क्वालिटी 2225 की बिके थे। अब ये लगा लो, अब इस टाइम हमारे मंडी में 2315 रुपीज़ का भाव मिल क्वालिटी। अभी अगर अपन गेहूं की बात करें तो कुछ भाव में उतार चढ़ाव है या कुछ बराबर ही है? उतार चढ़ाव है, 15-20 दिन पहले गेहूं के भाव कुछ होते, बीच में 10-5 रुपये अप डाउन घटता बढ़ता रहता है गेहूं में। इसका क्या सबसे बड़ा कारण मानते हैं? कारण तो कुछ नहीं, मिल वालों के ऊपर डिपेंड है। कुछ तो क्या है कि 60-70% माल तो गवर्नमेंट मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की 2400 रुपया गवर्नमेंट के 2400 है। अपने यहाँ तो माल कम तुला है। अब गोविंदगढ़ है, मालेखेड़ा है, कई जगह क्या है कि सीधा काजदार गंगानगर है, राजस्थान में बहुत माल तुला है, मतलब 70% माल गवर्नमेंट तुला है। तो उनकी रेट 2400 है। जब उनकी 2400 रेट थी तो हमारे यहाँ गेहूँ मंडी में जैसा 2200-2225, उस टाइम बहुत अच्छा मोटा माल तुला है गवर्नमेंट। क्वालिटी की बात की जाए, क्वालिटी टॉप क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं। तो अब की बार सबसे ज्यादा पैदावार गेहूँ की देखी जा रही है क्या? जो नहीं, पैदावार तो पहले थी उतनी है, पैदावार तो फालतू ही है, कम नहीं है पैदावार तो। लड़क भी सही बैठी थी उनकी, जो पहले कई साल भी 40 मनकमी का बैठा था, अब कहीं 40 मनकमी का बैठा है। लड़क पैदावार तो बढ़िया है। काश्तकार को भाव की अगर बात की जाए तो काश्तकार को भाव की, भाव के हिसाब से सही बिक रहे हूँ, कई साल भी भाव के लिए हूँ। अभी वही बिक रहे हैं जो गवर्नमेंट रेट कई साल थी, मेरे हिसाब से 2250 के आसपास थी। अभी गवर्नमेंट की रेट है 2400 रुपये, तो काश्तकार का माल तो अधिकतर माल गवर्नमेंट चला है। यहाँ पर 2225 की रेट है मंडी में, तो वहाँ गवर्नमेंट चुला रही है 2400 रुपये, तो काश्तकार तो फायदा उठाए नहीं उठाए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे काश्तकार का कहना ये होता है कि भाई अगर वहाँ 2400 रुपये में गेहूँ तुलवाता है तो वहाँ पर उसको क्या है कि पैसे देरी से मिलते हैं, लेकिन व्यापारी के यहाँ आने से जब गेहूँ लेकर आता है तो यहाँ पर उसको नगद पैसा मिल जाता है। तो इसका भी ऐसा कुछ नहीं है, जमींदारों को थोड़ा मन का वो है, आपके गवर्नमेंट ने अलग हिसाब कर दिया है। काश्तकार का गेहूँ तुलते 30 या 24 घंटे के अंदर पैसे खाते में छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नियम कर दिया। रही भाव के बाद काश्तकार किसी का नंबर नहीं आया, तुलने के लिए नंबर नहीं आया, क्योंकि पैसे जरूर ब्याह शादी का सावा चल रहा है, कुछ जरूर तुलती पैसा मंडी भी जाता है वो 2225 में, 24 तो गवर्नमेंट ले रही है। पेमेंट की 24 घंटे या 10 घंटे की उसकी वो होती है, खाते पैसे पहुँचते हैं। अगर अभी बात की जाए तो पिछली साल की तुलना में गेहूं और अबकी बार में क्या कितना अंतर देखने को मिल रहा है पिछली साल में और अब में गेहूं की? पिछली साल में गेहूँ हमारे मंडी में यही बिके थे स्टार्टिंग में 2100-2200 के आसपास, और लास्ट में गेहूँ बिक गए 3000 रुपये लास्ट में। फिर बाद में गवर्नमेंट गेहूँ जाए छोड़ दिया, उसकी वजह से 2500 रह गए, ऐसे धीरे धीरे बाजार टूट चले गए। तो आगे आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि गेहूँ के भाव में कुछ बढ़ोतरी होगी? बढ़ोतरी तो होनी तो कह नहीं है, मतलब यही 100-150 रुपये बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास जो मेन अनाज होता है गवर्नमेंट पर होता है, और गवर्नमेंट को डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या करती है। अभी अगर अपन बात की जाए गेहूँ के बारे में तो अभी गवर्नमेंट भी नहीं बनने वाली है, चुनाव है, तो किस तरह की आप सरकार से अपील करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए? सरकार से अपील तो क्या करे, मतलब यह है कि जो व्यापार है आजकल, जो भी व्यापार है गवर्नमेंट के पीछे होता है। अब ये गेहूं है, गेहूं का लगा लो 70 मेरे हिसाब से राजस्थान में, देश भर में जितने भी अपने स्टेट है जहाँ भी गेहूँ चले, मतलब 70-80% गेहूँ गवर्नमेंट चले और 20% मिल वालों ने। अब कोई स्टॉक का काम व्यापारी को नहीं हुआ,
गवर्नमेंट की पंगे की वजह से, गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन ले सकती है, इसलिए स्टॉक का, गेहूँ का स्टॉक बहुत कम हुआ। तो अब की बार मिलर जो स्टॉक कर रहे हैं उसका क्या रन कुछ मान, उनको मिलरों को, अगर मिलों को स्टॉक किया है कर रहे हैं उनको, क्या है रोजाना 1500 कट्टे तो प्लाई में जाते हैं गेहूँ आटा पिसता है, तो मिल वालों को तो 1000 2000 5000 कट्टे रखने पड़ते हैं, इसलिए रूटीन पर रखने पड़ेंगे उनको भी, गवर्नमेंट कोई ऑप्शन नहीं कर सकती उनके ऊपर, स्टॉक तो चेंज चल रही है, मिल चलेंगे, मिल चलाने के लिए स्टॉक तो करना पड़ता है। ये हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी दामोदर गुप्ता जी थे, उन्होंने हमको आज गेहूं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंडी के अंदर गेहूं की आवक हो रही है लेकिन जो भाव है उसको लेकर अभी कुछ शंका बनी हुई है, आगे अब देखना होगा कि गेहूं में किस तरह भाव में बढ़ोतरी हो सकती है। नितिन शर्मा, अलवर।